यहाँ से हेलिक्स लेते हैं, और डायमीटर से डायमीटर आता है, रेडियस से रेडियस क्यूबिक, और कांस्टेंट से कांस्टेंट आप इसके डायमीटर को रखना चाहते हैं, क्योंकि साइज है ना, तो साइज मतलब इसके डायमीटर और रेडियस के साइज के लिए बात कर रहे हैं। ये जो ऑप्शन काम करेंगे तो इसके साइज के लिए काम कर रहे हैं, आप ड्रैग करके भी ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब बात आती है पिच की, तो जो पिच आ रहा है हमारा कॉन्स्टेंट पिच है, 15 का है, सभी जगह पर सिर्फ 15 का है, मैंने 5 कर दिया। और फिर यहाँ से अगर मैं लेता हूँ क्यूबिक, तो ये वही क्यूबिक ले लेगा, और यहाँ से 25 कर दिया, तो नीचे 5 है ऊपर 25 है, नीचे 5 है ऊपर 10 है। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ जाएगा उसी रेशियो में जो हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। लेंथ की लिमिट रख सकते हो आप, लेंथ की लिमिट आप लेंथ या तो लिमिट डाल दीजिए कि स्टार्ट 0 से हो रहा है और एंड हो रहा है 100 पे, तो ये 100 तक चला जाएगा। या आप नंबर ऑफ टर्न डालना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्न में आ जाइए, एग्जैक्टली 14 टर्न चाहिए तो ये एग्जैक्टली 14 नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड कौन सा चाहिए, आप लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये स्टार्टिंग जब भी करें आप, ये स्टार्टिंग किसी प्लेन से होना चाहिए, है ना, जो कर्व हमारा हेलिक्स शुरू हो या एंड हो। ये अभी क्या हो रहा है, इस वाले प्लेन से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला कर्व मेरा आगे नहीं निकलना चाहिए, आगे निकलेगा तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे ये वाला पीछे हो गया ना, तो इसमें मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि जब इस पर क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा तो अब मुझे नया प्लेन बनाना पड़ेगा, और अगर मैं इसे 60 ही रखता हूँ तो इसी वाले प्लेन से एक्स जेड से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसे कॉन्स्टेंट ही रखें, और ये रहा एंगल, यहाँ से एंगल को चेंज कर सकते हो, ये वही एंगल है, और ओके, ये हो गया हमारा हेलिक्स। हेलिक्स के मैं क्लिक करता हूँ, और हेलिक्स में मेरे पास एक और है, ये रहा अलॉन्ग एसपी लाइन, और एसपी लाइन को ये लेने रहा अभी, फिर भी एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से हम पहले एसपी लाइन ले लेते हैं, और प्लेन सॉरी यहाँ से नहीं, स्केच में जाइए आप, स्केच से जाते हैं, और ये हमने प्लेन ले लिया, और यहाँ से एक एसपी लाइन ले लेते हैं, और ओके, यहाँ से फिनिश करते हैं, और यहाँ से हेलिक्स लेंगे, और हेलिक्स में अलॉन्ग वेक्टर की जगह लेते हैं अलॉन्ग एसपी लाइन, तो एसपी लाइन मेरी ये हो गई। और जो ये है हमारा डायमीटर, एक बार इसे कांस्टेंट कर देता हूँ, और कांस्टेंट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि मुझे प्रॉपरली विजिबिलिटी आए। ठीक है, कर्व के अलॉन्ग जा रहा है, और ये कांस्टेंट है, आप इसी को ही लीनियर और क्यूबिक भी कर सकते हो, 10 और ऊपर 15, 10 से स्टार्ट हो गया ऊपर 15 हो गया, पिच ये ऊपर नीचे 10 कर देते हैं, और ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो ऊपर थोड़ा सा कम कर लो तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर पिच हमारी कम, और सेम रखना चाहते हैं तो आप सेम भी डाल दो या कॉन्स्टेंट रख दीजिए तो भी हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न कितने आ रहे हैं वो यहाँ से डिसाइड हो रहा है, मैं कर देता हूँ 10, तो नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे, 14 या 15 कर देते हैं, 14 या 15 हो जाएंगे, और ओके। और हेलिक्स लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसका हम कुछ बनाएं, तो ये हमने शुरू में ये किया था, आप यहाँ से ले लेना पाइप या ट्यूब, ये रहा है ना, ट्यूब लेंगे और इसको हम कर देते हैं 3, और इसे 0, और मेरा कर्व है ये, और ओके, ट्यूब डबल ग्रिक, अभी भी क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, मैं 5 कर देता हूँ, ओके, ये 5 को बन जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग जो है वो तो डायरेक्टली बन जाएगा, ऐसे ही अब इस वाले के केस में भी करना चाहता हूँ ना, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, डायरेक्टली वो ले लेगा उसको। ठीक है, तो ये है हमारा हेलिक्स। हेलिक्स के बाद आता है हमारा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो टेक्स्ट, और यहाँ से प्लानर पे, तो प्लानर के लिए मेरे पास कुछ अभी है नहीं, एक काम करते हैं, एक नई फाइल खोलते हैं, और उसके अंदर मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ, तो सिलेंडर बनाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे एक सिलेंडर का सरफेस मिल जाएगी और एक मुझे प्लानर सरफेस मिल जाएगी। ये 50 का ले लिया, और इसे कर देते हैं हम यहाँ से एक्सट्रूड, ये है एक्सट्रूड,
इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं बस सफिशियंट इतना। और प्लेन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ही है ना, तो अब यहाँ से आते हैं और लेते हैं ये रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट कह रहा है प्लानर टेक्स्ट है ये, प्लानर टेक्स्ट क्या काम करेगा किसी प्लेन पे ही काम करेगा। और स्पेसिफाई एंकर पॉइंट, कोई आपको एक एंकर पॉइंट भी इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मैंने क्लिक किया एंकर पॉइंट है ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट सेंटर ले लिया, तो सेंटर पे प्लानर सरफेस के ऊपर आ गया है। फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, उसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए, और बॉटम सेंटर ले रहा है, मैं कह देता हूँ मिडिल सेंटर, मिडिल सेंटर पे आ जाएगा ठीक है। मिडिल सेंटर पे एंकर हो गया इसका जो सेंटर पॉइंट था। और लेंथ यहाँ से आ रही है, ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग आपकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग ट्विस्टिंग। और यहाँ से थोड़ा जूम करते हैं और इधर की डायरेक्शन में, और इधर से इसकी हाइट, हाइट नहीं आ रही अभी, यहाँ से मैंने जाके लेता हूँ 20 हो गया ये, यहाँ से ना ड्रैग हो जाएगा, ये ड्रैग कर लो कितना इधर से लेंगे तो इधर से भी ये ड्रैग हो सकता है, जैसा आपके पास स्पेस है साइज है उसके अकॉर्डिंग आप ले लेना ठीक है। हाइट यहाँ पे आ रही है, विड्थ का स्केल यहाँ पे आ रहा है, और ये टेक्स्ट हमारा बन जाएगा। और इसे करा मैंने अप्लाई, और लिखना क्या है इसके अंदर, जो यहाँ पे आपने लिखा है वही यहाँ पे आएगा ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया अभी है ना, बाहर निकल रहा है, आप इतना बड़ा मत लिखिए, छोटा लिख दीजिए ठीक है, तो छोटा आ जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास है ऑन कर्व और फेस, तो उसे तो मैं अभी कर देता हूँ अप्लाई। अब दूसरा जो है ऑन कर्व और सरफेस, तो मैं पहले इसे ले लेता हूँ ऑन फेस। ऑन फेस मैंने इस फेस को क्लिक किया, कर्व का प्लेसमेंट, कर्व का प्लेसमेंट मैंने नीचे ले लिया। अब आप देखिए ये एनएक्स यहाँ पे आ रहा है, तो इसे करते हैं हम फ्लिप, तो फ्लिप करने से ऊपर आ गया एक। दूसरा इसे हम ऊपर रखते हैं थोड़ा सा, नीचे से गैप ले लिया तो ये ऑफसेट आ गया ठीक है। अब इसे हम चेंज कर देते हैं एनएक्स कैड कैम, तो क्या हुआ ये पूरे फेस के ऊपर चला जाएगा ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ना हमारा ये कर्व ऑन सरफेस नहीं है, ये कर्व ऑन सरफेस नहीं है, ये देखो हल्का सा गैप आ रहा है ना इसमें, लेटर में यहाँ पे देखो गैप है, ये गैप आ रहा है। तो ये सरफेस के रिस्पेक्ट में आ जरूर रहा है, लेकिन सरफेस पे भी है नहीं ठीक है। फिर कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे, वो आ जाएगा। फिर आता है इसके अंदर ऑन कर्व, तो ऑन कर्व के लिए मैं इसको एक काम करते हैं, एक नया प्लेन ले लेते हैं, यहाँ से जाएंगे क्लिक, इसे हम यहाँ से लेते हैं थोड़ा छोटा करते हैं और इसे ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा, इसके पास पहुँच गया ना, दूर नहीं रखा हूँ थोड़ा सा पास रखा हूँ। और प्लेन मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि मैं कुछ बनाऊँ स्केच करके, क्लिक और यहाँ से ले लेते हैं हम ये, ओके ठीक है और फिनिश। अच्छा अब ये हमने ले लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से लेंगे ऑन कर्व, कर्व है ये वाला ठीक है। तो कर्व के ऊपर आ गया, फ्लिप, फ्लिप हो जाएगा। और कर्व का साइज कुछ इस तरीके से है कि ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ और कर्व के पास लेके आता हूँ। और इसका हाइट जो है वो हमने कर दिया 3, तो ये थोड़ा छोटा हो गया, अभी भी आपस में मर्ज कर रहा है ठीक है, ये एम और एक्स वाला। तो या तो यहाँ से मैं गैप दे सकता हूँ, गैप हो गया एम और एक्स के बीच में, एन एक्स कैट करना, कर्व आपस में मर्ज नहीं करने चाहिए, मर्ज नहीं कर रहे ठीक है। ये हो गया हमारा कर्व। अभी इसके अंदर क्या है, जब आप जाएंगे एक्सट्रूड में और मैं इस वाले कर्व को सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये एक्सट्रूड हो रहा है ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों में काम करेगा। आप इसे कट भी करना चाहते हो सब्सट्रैक्शन, तो ये अंदर जाके सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा ठीक है ना। और हमने करा कैंसिल, फिर मैं एक्सट्रूड को लेता हूँ,
और इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ए को सिलेक्ट करते हैं, तो ये ना अभी प्रॉपरली आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ले सकते हो क्या, नॉर्मल टू फेस और प्लेन, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो देखें क्या करता है ये, टू ऑपरेटिव मल्टी बॉडी एक तो क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको एरो डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। ये देखिए अगर बन रहा है ये वाला ऐसा बन रहा है क्योंकि दोनों के लिए ना जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अलग अलग हो जाएगी, इसलिए आप एक एक टेक्स्ट को लेंगे और एक एक को करेंगे तो ये ले लेगा, माना अगर इनफर कर्व ले लूँगा तो ये लेगा नहीं, है ना, एरो उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे जाना है, किधर की तरफ एक्सट्रूड करना है, इसलिए आप एक एक को ले लेना हो जाएगा और कट करेंगे तो कट भी हो सकता है। फिर इसके अंदर ही आ जाते हैं और यहाँ से मैं करता हूँ प्रोजेक्ट कर्व, तो प्रोजेक्ट कर्व मेरे काम का है और ये मैंने लिया और ये सब पीस सेलेक्ट करते हैं, इनको सामने से ले लेते हैं, ये सब सेलेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट मेरा है ये वाला पीस और क्लिक, ये है मेरा एरो और ये आउटवर्ड जा रहा है, मैं इसे इनवर्ट कर देता हूँ, तो टेक्स्ट जो है मेरा ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ओके, ठीक है, ये टेक्स्ट इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो गया, ये पीछे की तरफ भी आ गया होगा। प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्शन ऑप्शन, तो अभी नन ले रखा है, इसे मैं कर देता हूँ, ये प्रोजेक्ट बोथ साइड तो ऑलरेडी आ ही रहा है, दोनों साइड ही जा रहा है वो, ठीक है, और नियरेस्ट कर देते हैं और फिर सिर्फ एक ही तरफ आएगा, ये वाला घंटे बच गया, ये सिर्फ एक ही तरफ आना चाहिए अब, ठीक है, ये एक ही तरफ का है, दूसरी तरफ वैसे आना नहीं था, खैर आप इसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप यूज़ करना चाहोगे तो आप इन्हीं कर्व को सिलेक्ट करिए, उसको स्किप करना चाहते हो स्किप हो सकता है। ओके, तो ये था अलोंग वेक्टर और अलोंग फेस नॉर्मल, तो फेस ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो अब देखो जब आप इसे लोगे तो ये सामने से इसे सीधा लेते हैं, है ना, तो देखिए कैसे प्रोजेक्टर उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जबकि पहले वाला था हमारा अलोंग वेक्टर, तो वेक्टर फेस की तरफ, ठीक है, ये वाला हमारा रिजल्ट है जो कि बिल्कुल प्रॉपरली मैच हो रहा है, ठीक है, एक के ऊपर एक आ रहा है, और जब हम इसे चेंज करते हैं और कर देते हैं इसे अलोंग फेस नॉर्मल, तो ये अंदर की तरफ नॉर्मल फेस की तरफ, तो अंदर वाले की तरफ चल जाएगा, जो कि थोड़ा सा अजीब सा गड़बड़ गड़बड़ सा आ रहा है ना, तो ये ऐसे टूवर्ड्स लाइन भी है, टूवर्ड्स लाइन, तो लाइन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कौन सी लाइन है आपकी, मैंने माना ये लाइन ले ली, तो ये इस लाइन की तरफ चला जाएगा और अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं अलोंग वेक्टर जी और ओके। अब बाद में चाहते हैं तो आप इस वाले को सिलेक्ट करके हाइड कर दें, ठीक है, और ये वाले भी अगर करने हैं तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैं इसे करना चाहता हूँ, ठीक, और ये वाला मेरा फेस है, लॉन्ग वेक्टर, वेक्टर कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास नॉर्मल फेस और प्रीव्यू, अब एक है तो एक को मैं यूज़ कर सकता हूँ और अप्लाई, अब ये ऊपर वाले को मैं हाइड करता हूँ, तो ये इसके ऊपर आ गया, सरफेस के ऊपर है, ठीक है, ये सरफेस करना पड़ेगा, हाँ, तो सबको आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सरफेस पे, तभी आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी है टेंशन, ये है कार्बन सरफेस, कार्बन सरफेस से किसी सरफेस के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिएगा और क्लिक किया फेस और पॉइंट,
अभी ये ऐसा आ रहा है क्योंकि ये क्लोज था, मैंने क्लोज को हटा दिया, अभी मुझे क्लोज अभी नहीं चाहिए। अब पॉइंट बनाते जाओ, बनता जाएगा, लेकिन बनेगा कर्व के ऊपर ही है, ओनली प्लेन बनाता है, सरफेस के ऊपर बनेगा, जो भी सरफेस हमने सिलेक्ट किया। रेक्टेंगल ऐसा आता है नहीं आया जी, ओनली स्प्लेन आता है, स्प्लेन कंस्ट्रेंट्स, ओनली स्प्लेन, स्प्लेन कर देते हैं ना, क्योंकि कर्व है नहीं तो कर्व तो ऐसे ही होगा। अब बाद में ट्रैक करके एडजस्ट करना चाहते हो आप, एडजस्ट कर लेना जैसी भी शेप आप रखना चाहते हो, और ओके ये कर्व आ गया, ठीक है। अब इस कर्व को ना आप कैसे यूज करोगे, कर्व अगर यूज करना है तो कर्व को इसको फिर प्रोजेक्ट कर दिया, फिर प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसका यूज पता क्या है, एक हमारे पास था स्प्लिट फेस है ना, हमने ट्रिम में किया था इंसर्ट, इंसर्ट में ट्रिम, और ट्रिम में ही यार डिवाइड फेस, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड फेस को यूज़ कर सकते हो, डिवाइड फेस को यूज़ किया, ये मेरा फेस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्लिक अप्लाई, ये फेस और ये मेरा कर्व, ओके, ठीक है। अब अगर एक्सक्लूड करना चाहते हो आप, ये ऑफसेट करना चाहते हो, तो आप इस पर यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑफसेट फेस ले लिया और इस वाले फेस का, तो फेस अलग हो गया ना, अब आप इसे करना चाहते हो तो आप इसे कर लो, ठीक है, और अप्लाई, ये बन गया। आप इस वाले को लेना चाहते हो तो ये है फेस मेरा, कितना आना चाहिए 1 mm, तो ये नॉर्मल होगा आपकी बार, आपकी बार ये जो है ये नॉर्मल होगा आपके सरफेस पे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो, प्लस और माइनस दोनों काम कर जाएगा ये। अच्छा, इसको हम सरफेस पे, प्रोजेक्ट को हम सरफेस पे भी यूज कर सकते हैं और सरफेस पे बनाने का कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी आगे और बताऊंगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले में हम क्या कर लेते हैं, ये हेलिक्स, ठीक है, इसके अंदर आ गए। तो हमने एक किया है ये हेलिक्स, एक किया है टेक्स्ट, एक कार्बन सरफेस और एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अभी दोबारा से भी बताऊँगा मैं, है ना, दोबारा से भी यूज होगा। और बाकी ऑफसेट, इंटरसेक्शन, ब्रिज और ये आगे के ऑप्शन देखते हैं, कल देख लेंगे, ठीक है, ये कल देख लेंगे जो भी इसमें काम का है।